20 मिनट में 5,500 रुपये, और अगर आप 1 घंटा लगाते हो तो $60, यानी इस टाइम पाकिस्तान में डॉलर की कीमत है 278 रुपीस। अगर आप उसको $60 से करते हो तो ये आपके बनते हैं 16,600 रुपये तकरीबन। यानी कि आप अगर 20 मिनट का काम करोगे तो आपको 5,500 रुपये मिल जाएंगे, और अगर आप 1 घंटा काम करते हो तो ईज़िली आप 16,000 तक अर्न कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छी इनकम है, और ये करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। मैं हूँ रजा हैदर, और आपके लिए लेकर आया हूँ ऑनलाइन अर्निंग की एक वेबसाइट जिसके ज़रिए आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्ले स्टोर पे जाओ, और वहाँ पे जाके आप प्ले स्टोर पे जो भी ऐप है उसको ओपन करते हो, तो उसके लास्ट में आपने देखा होगा रेटिंग का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपको उस ऐप के बारे में रेटिंग देनी होती है कि वो ऐप किस तरह की है। और मज़े की बात, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने उस ऐप को रेट करके, उस ऐप की रेटिंग दे के ये पैसे अर्न करने हैं, तो ये तो सोने में सुहागा हो जाएगा। मतलब आप इजीली सिर्फ 20 मिनट लगा के एक रिव्यू देने पर आराम से 5,500 रुपये अर्न कर सकते हैं। किस वेबसाइट के थ्रू करने हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाकर आपने किस सॉफ्टवेयर पे रिव्यूज़ देने हैं, आपने किस तरह इसका विड्रॉ लेना है, किस तरह उस वेबसाइट पे रजिस्टर होना है, लॉगिन होना है, तो ये सारी डिटेल्स, और किस तरह आपने उस पूरे रिव्यू को क्रिएट करना है ताकि आपकी एक अच्छी इनकम जनरेट हो सके, आपका रिव्यू वैलिड हो सके, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि हर स्टेप की आपको समझ में आ जाए कि आपने किस तरह इस सारे प्रोसेस को करना है, किस तरह विड्रॉ लेना है, और किस तरह आपने अपने रिवॉर्ड को रिडीम करना है। तो साथ रहिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको उस वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, और मैं आपको ओवरऑल डिटेल्स में बताता हूँ कि ये प्रोसेस किस तरह वर्क करता है। जी, तो जिस वेबसाइट पे हम काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसका ट्रस्ट लेवल चेक कर लेंगे कि वो वेबसाइट कितनी ट्रस्ट वर्दी है। तो किसी भी वेबसाइट का ट्रस्ट लेवल चेक करने के लिए हम जाएंगे इस वेबसाइट पे, ट्रस्ट पायलट पे। यहाँ पे जाके हम सर्च में उस वेबसाइट का या उस कंपनी का नाम लिखेंगे जिसका हम ट्रस्ट लेवल चेक कर रहे हैं। तो आज जिस वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है कैप टेरा, CAPTERA। सबसे पहले ये आ जाएगी कैप टेरा। तो ये आप देख सकते हैं इसके रिव्यूज़ हैं 4.1, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, ये कोई कम रिव्यूज़ नहीं है। एक ये वेरीफाइड कंपनी है, ये आप देख सकते हैं 4 स्टार्स हैं। तो ये आप देख लें, टिक हुआ हुआ है, वेरीफाइड कंपनी है, अच्छे इसके रिव्यूज़ आए हुए हैं, इट मीन्स इट्स परफेक्ट फॉर ऑनलाइन अर्निंग। अब हम उस वेबसाइट की तरफ चलते हैं जिस पे हमने काम शुरू करना है। हम जाएंगे गूगल पे, यहाँ पे आप लिख देंगे कैप्टेरा, सिंपल ये फर्स्ट लिंक खुल जाएगा, आपने ये पहला लिंक ओपन कर लेना है, तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना होता है साइन अप। साइन अप पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे गूगल के थ्रू भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और लिंक्ड इन के थ्रू भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं करूँगा यहाँ कंटिन्यू विद गूगल, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये हमारा साइन अप अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है। जी, तो ये आप देख सकते हैं साइन अप होने के बाद आपको इस तरह का पेज जो है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, ये आप पहले पेज पे इसके डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स हैं, रिव्यूज़, माय रिव्यूज़, यहाँ पे जो भी आप रिव्यूज़ देंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। वो जब रिव्यूज़ पब्लिश हो जाएंगे तो आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा पैसों की सूरत में। ये माय रिवॉर्ड्स है, क्लेम योर रिवॉर्ड्स एंड डिस्कवर न्यू रिव्यू ऑफर्स, और ये आपकी प्रोफाइल। तो हम सबसे पहले यहाँ अपने प्रोफाइल पे चले जाएंगे। जी, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे प्रोफाइल पेज पे। सबसे पहले इस प्रोफाइल को हम कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है, आप यहाँ पे अपना लिख देंगे, ईमेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कंपनी नेम आप कोई भी लिख दें, अपना नाम ही लिख दें इस पर। इसके बाद जॉब फंक्शन है ये, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है मार्केटिंग। इसके बाद आ जाती है इंडस्ट्री, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो एंटरटेनमेंट।
कंपनी का साइज़ आप लिख देंगे, 10 to 49 कर लें इसको, जॉब टाइटल लिख दें यहाँ पे, मैनेजर लिख दें, सेव प्रोफाइल कर लें। तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। आप बैक चले जाएं, आप चले जाएं रिव्यूज़ में, रिव्यूज़ के पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपने फाइंड अ प्रोडक्ट टू रिव्यू, रिव्यू देने के लिए प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है कि आपने किस प्रोडक्ट पे, आप ये किस सॉफ्टवेयर पे आप रिव्यू देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से ए बी टेस्टिंग, सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई कंपनी है ये, कोई सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। तो जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है राइट अ रिव्यू, आपने जाना है यहाँ पे राइट अ रिव्यू पे। इस पेज पे ये जितनी भी आपके सामने सॉफ्टवेयर्स ओपन है, यहाँ से सी मोर प्रोडक्ट्स करेंगे और खुल जाएंगी, फिर सी मोर करेंगे यहाँ पे और खुल जाएंगी, तो यहाँ पे बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं। आप यहाँ से किसी पे को भी सिलेक्ट करके उस पे रिव्यू दे सकते हैं। तो जो आपको यहाँ पे लगे कि बहुत अच्छी कंपनी है, वैसे तो ये सारी अच्छी हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे उसको आपने कर लेना है सिलेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर लेता हूँ इस कंपनी को सिलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेज आपका ओपन हो गया, यहाँ पे आपने सारा फॉर्म फिल करना है। फर्स्ट नेम लिख देंगे, जैसे ये ऑलरेडी अगर है आपका तो इस तरह लिख देंगे, नहीं तो आप खुद से टाइप करके अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ लास्ट नेम लिखना है। मेरा नाम है मोहम्मद रज़ा हैदर नकवी, तो यहाँ पे मोहम्मद रज़ा हैदर फर्स्ट नेम लिख दिया, नकवी लास्ट नेम लिख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है कुछ भी नाम है, एक्स वाई जेड, जैसे शाहजेब कुरैशी नाम है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपने शाहजेब लिखना है, लास्ट नेम में कुरैशी लिखना है। ईमेल एड्रेस अपना डाल देंगे आप, कंपनी नेम आपने लिख लेनी है, अपना नाम ही लिख दें, ठीक है। कंपनी साइज आपने 11 to 50 एम्प्लॉयज़ लिख देना है। इंडस्ट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है, कोई भी जो आपको हिसाब से आपको अच्छी लग रही हो, मैं इसमें कर देता हूँ ई लर्निंग। जॉब फंक्शन क्या है, यहाँ पे मार्केटिंग सेलेक्ट कर ली, जॉब टाइटल हमने कर लिया मैनेजर। उसके बाद ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग हैव यू यूज्ड असाना। अब जाहिर है मैं इस एप्लीकेशन या जो भी असाना वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ तो नहीं कर रहा ना, लेकिन ये आपने अपनी अर्निंग के लिए रिव्यूज़ देने हैं, तो ये हमेशा याद रखना रिव्यूज़ हमेशा आपने पॉजिटिव देने हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ में आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो अगर आपने यूज़ किया है या नहीं किया, आपने अपने पास से अच्छा ही रिव्यू ही देना है इनको। अब ये पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग हैव यू यूज़ असाना, आप कब से जो है वो यूज़ कर रहे हैं, आप लिख दें 6 to 12 मंथ, या आप इसको 1 to 2 ईयर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका दिल करे, नो इशू। हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू यूज़ असाना, आप कह रहे हैं मैं डेली यूज़ करता हूँ। इन व्हाट कैपेसिटी डू यू यूज़ असाना, आप किसमें कैपेसिटी पूछा है, यहाँ पे आप कह दें भाई डिजिटल वर्क प्लेस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आता है व्हाट इज़ योर रोल इन यूजिंग असाना, आपका क्या रोल है, आप लिख दें आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे रिव्यूज़ देने के स्टार्स हैं, जिस तरह किसी भी प्ले स्टोर पे ऐप देखें या कहीं पे भी ऐप देखें उसके एंड पे आपको इस तरह के स्टार्स नज़र आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट, वो वेबसाइट, वो सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, कि लोगों ने कितने उसके रिव्यूज़ दिए हैं। तो यहाँ पे आपने ओवरऑल क्वालिटी आपने 5 स्टार दे देने हैं, ईज़ ऑफ यूज़ आप 4 कर दें, फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी भी इसकी आप 5 कर दें, कस्टमर सपोर्ट भी इसकी आप 4 कर दें। ऐसा करना है कि ये ना लगे कि ये पूरे ही कॉपी किया हुआ है कि 5 5 5 सबको दे दिए, ज़रा एक आधा कम भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू फॉर मनी ये ऑप्शनल है, लेकिन हम दे देते हैं 4 स्टार। ईज़ ऑफ डिवेलपमेंट हम दे देते हैं 3 स्टार, ईज़ ऑफ सेटअप 4 स्टार, ठीक है। तो इस तरह आपने इन स्टार्स को फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैलिब्रेशन टूल्स, इसको भी आप दे दें 4 स्टार, ये ऑप्शनल है इसको रहने दें, यहाँ पे आप दे दें 5 स्टार्स। तो इस तरह आपने 4 स्टार्स 5 स्टार इस तरह दे देना है सबको।
रियल टाइम नोटिफिकेशन, एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग 5 स्टार, अच्छा जी एम्प्लॉय डेटाबेस 4 स्टार, रोल बेस प्रीमियर्स 4 स्टार। तो इस तरह आपने ये सबको स्टार्स दे देने हैं। व्हाट वॉज द इनिशियल कॉस्ट फॉर सेटिंग अप असाना? इनिशियल कॉस्ट इसकी वो पूछ रहे हैं कि क्या थी जब आपने असाना को सेटअप किया। तो यहाँ पे आप लिख दें, आपने ना कम लिखना है ना ज़्यादा लिखना है, मॉडरेट में लिखना है। आप लिख दें 0 to $499, इसके आसपास थी या इसके बीच में ही थी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द एनुअल लाइसेंसिंग कॉस्ट फॉर असाना, आप लिख दें 0 to $499। व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट डिड यू रिसीव वाइल परचेजिंग असाना, जब आपने परचेज किया होगा असाना तो आपने कितने परसेंट डिस्काउंट जो है वो मिला था। आप लिख दें ये 11 to 20% डिस्काउंट मिला था भैया हमें, हालांकि हमने खरीदी नहीं थी। हाउ डज द प्राइजिंग फॉर असाना कम्पेयर टू सिमिलर प्रोडक्ट्स? अब यहाँ पे आप देखें, इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव और बीच में है मॉडरेट। आपने ना इसको इनएक्सपेंसिव करना है और ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव करना है, आपको मॉडरेट में रहना है। इसको बीच वाले को आप सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट आता है कि हाउ लाइकली इज इट दैट यू वुड रिकमेंड असाना टू अ फ्रेंड और कलीग, क्या आप इस असाना सॉफ्टवेयर को फ्रेंड और कलीग को रेफर करेंगे? आप इसको आपने आंखें बंद करके 10 कर देना, वेरी लाइकली। ठीक है, इसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास ये थर्ड एंड लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने टाइटल योर रिव्यू, अपने रिव्यू का टाइटल लिखना है। अब रिव्यू का टाइटल आप क्या लिखेंगे, ये कंपनी है जैसे कि आप ऊपर भी देख रहे हैं, ASANA असाना के नाम से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने टाइटल क्या लिखना है, आप लिख दें रिव्यू फॉर असाना। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं इसके, व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट असाना, व्हाट डिड यू लाइक लीस्ट अबाउट असाना, आप असाना के बारे में कितना अच्छा जानते हैं और क्या कुछ बुरा है इसका जो आप जानते हैं। अब ये अगर आपको पता है यानी आपने यूज़ की भी है फिर तो आप ये ज़ाहिर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि असाना वेबसाइट क्या है या सॉफ्टवेयर किस काम आता है तो आप इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स लिखेंगे। तो इसके लिए आपने क्या गूगल का सहारा लेना है, इसको आप कर लें पूरे के पूरे को कॉपी। ठीक है, अब यहाँ से अब आप जाएं गूगल पे, यहाँ पे कर दें पेस्ट। यहाँ पे आपके सामने प्रोस एंड कॉन्स जो हैं वो खुल जाएंगे किसी भी वेबसाइट के जो लोगों ने दिए हुए होंगे। ठीक है, ये सारे अब ये देखें, ये प्रोस हैं ये कॉन्स हैं। यहाँ से आप कर लें इसको कॉपी और इधर जाके इसको कर दें पेस्ट। ये यहाँ जहन में रखिएगा और ये आंखें खोल के कीजिएगा कि प्रॉस की जगह प्रॉस वाले ही पेस्ट करें। वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल कीजिएगा। ये ना हो कि प्रॉस आप लिख दें कॉन्स में और कॉन्स आप लिख दें प्रॉस में, तो वो तो ज़ाहिर है गलत हो जाएगा, आपको कोई रिवॉर्ड इसका नहीं मिलेगा। ऐसे आपने प्रॉस कॉपी करके पेस्ट किया है, इसी तरह आप इसके कॉन्स जो हैं वो कॉपी करके पेस्ट कर दिएगा। ठीक है, इसके बाद आपके आता है कि डिस्क्राइब योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद असाना, ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा असाना के साथ। आप सिंपल लिख दें ओवरऑल एक्सपीरियंस विद असाना इज वंडरफुल, सिंपल आपने ये लिख देना है लाइन। उसके बाद आता है डिड यू स्विच फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट, नो कर दें, हमने कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं की, फर्स्ट टाइम आपके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। यार माहम, यार 1 मिनट अभी ना चलाना इसको। इसके बाद आता है डिड यू स्विच फ्रॉम अनदर, डिड यू स्विच फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट, क्या आप किसी और प्रोडक्ट से स्विच हुए हैं, तो आप कह दें नो, हमने फर्स्ट टाइम यही प्रोडक्ट यूज़ किया है। इसके बाद आपके पास आता है कि वाइल परचेसिंग असाना व्हाट ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स वर कंसिडर्ड, कि जब आपने ये असाना सॉफ्टवेयर जो है परचेज किया था तो
कौन सा ऑल्टरनेट प्रोडक्ट जो है जो वो आपने कंसीडर किए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है व्हाई डिड यू चूज़ असाना ओवर दीज ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, आपने असाना क्यों चूज़ किया। अच्छा, इसका जवाब भी हम है तो ये भी ऑप्शनल, लेकिन अब सारे ऑप्शनल नहीं छोड़ देने हमने, इसको कॉपी करके यहीं गूगल पे पेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं गूगल इसको क्या कहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्केबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एज यू मैनेज वर्क कंपनी गोल्स एंड कैलिब्रेशन, असाना इज़ द क्लियर चॉइस। अदर सॉल्यूशंस आर नॉट बिल्ड टू हैंडल सोलो वर्क, क्रॉस टीम वर्क एंड और एंड वाइट गोल। इसी को आप कर लेना है कॉपी और इसको आपने वहाँ जाके पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपके पास आता है कि डिड यू इंटीग्रेट एनी अदर प्रोडक्ट विद असाना, तो आप इसको कर देंगे नो, हमने किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं किया। उसके बाद आपके पास आएगा हु डिड यू वर्क विद टू इम्प्लीमेंट असाना, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे सॉफ्टवेयर वेंडर, इंटरनल टीम थी, आपको सॉफ्टवेयर वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपने इसको टिक कर देना है और उसके बाद इसको आपने सबमिट कर देना है। यहाँ से आपने जो इसका कैप्चा है इसको वेरीफाई करना है, सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद ब्रिजेस, जो भी ब्रिजेस की इमेजेस हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। हो गई सारी, वेरीफाई कर दिया, ये आपका लिखा हुआ आ जाएगा, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर रिव्यू, व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट, रिव्यू असेसमेंट, रिव्यू पब्लिश, गिफ्ट कार्ड नोटिफिकेशन। आपका रिव्यू जो है वो टीम असेस करेगी कि आपने कैसा रिव्यू दिया, अगर बुरा दिया होगा तो जाहिर है कौन उसको रिवॉर्ड देगा, तो अगर आपने अच्छा रिव्यू दिया होगा तो आपका रिव्यू जो है वो पब्लिश हो जाएगा, और जब आपका रिव्यू पब्लिश हो जाएगा तो आपको गिफ्ट कार्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो ईमेल आपने दी हुई होगी उस ईमेल पे आपको इन लोगों की ईमेल आ जाएगी जिस पे आपको गिफ्ट कार्ड इशू किया जाएगा, वो $10 या $20 का आपके रिव्यू के हिसाब से होगा, और उस गिफ्ट कार्ड को जब आप रिडीम करेंगे तो आपके वीज़ा कार्ड में उस रिडीम गिफ्ट जो भी उसकी वैल्यू थी $10 होगी या $20 होगी, उसके हिसाब से जो भी पैसे थे वो आपके वीज़ा कार्ड में आ जाएंगे। वीज़ा कार्ड कैसे आपने एंटर करना है वो उस मेल में, जब आपको 4 से 10 दिन के अंदर मेल आएगी इनकी असेसमेंट के बाद, उस मेल के थ्रू आपको वो लिंक सेंड करेंगे और उस लिंक के ज़रिए आप जो है वो अपना वीज़ा कार्ड एंटर करेंगे और आप रिडीम करेंगे तो वो गिफ्ट जो है आपका गिफ्ट कार्ड वो रिडीम होके आपके वीज़ा कार्ड में आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये आप टाइम भी नोट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट, बल्कि उससे भी कम टाइम लगा होगा इस एक रिव्यू को करने में। इस तरह अगर आप दिन के 5-6 रिव्यूज़ कर लेते हैं तो ईज़िली आपके, और अगर अच्छे रिव्यूज़ कर लेते हैं तो ईज़िली आपके 100 से $120 तो आसानी से बन सकते हैं और एक अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं बगैर कोई सख्त काम किए। ठीक है, तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएँ, और जो जो भी वेबसाइट्स आपको अर्निंग प्लेटफॉर्म फ्राम करती है उसके बारे में आपको मैं गाइड करता रहूँ और आप लोग सब जो हैं वो उससे अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग की वेबसाइट्स लेके मैं आपके पास हाजिर होऊंगा नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।